आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम 8D का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे सवालों को हम बताएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा 2021 में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से 8D का कुछ सवाल का बहुत ही भागीदार है, महत्व है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है। वही काम करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे होगा, आपको इसका अभ्यास करना है और अभ्यास करने के लिए सूत्र जरूरी है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए कह रहा है इसके बराबर इसको लाना है। तो हम LHS को हल करेंगे और RHS आ जाएगा। तो चलिए LHS को हम हल करके दिखाते हैं और RHS लाते हैं। देखिए टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और वन माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए मैं शुरू में बताया था कि त्रिकोणमिति सूत्रों का ही खेल होता है। अगर आप सूत्र नहीं लर्न है या अगर नहीं भी लर्न है तो आप सवाल लगाइए और सवाल में जो सूत्र यूज हो रहा है उसको तो आप लर्न कर ही सकते हैं। ऐसे ऐसे करके सारे सूत्र आपको तैयार हो जाएंगे। तो सवाल लगाते रहिए, सूत्र तैयार होते रहेगा। प्लस इस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। और वन माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आपको ये सब मालूम होना चाहिए, ये सूत्र हैं, तैयार करना जरूरी है। ये इस रूप में बदल गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे साइन का यहाँ और कॉस का यहाँ, मतलब इसका अलग एलसीएम होगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर वाला वैसे उतार दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ आ जाएगा, तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, यानी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और नीचे साइन थीटा एलसीएम जो लिए हैं वो ऐसे ही रहेगा। क्यों, ये बात पूरी समझ में आई आपको, इसका एलसीएम लेके ये रूप हम प्राप्त कर सकते हैं। प्लस इसका क्या करेंगे, वही काम जो यहां किए हैं वही काम यहां करना है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे यहां पर भी कॉस आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ओके, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और ये साइन थीटा नीचे आएगा। ये रूल होता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। क्यों, ये रूल होता है या नहीं, होता है ना। तो ये चीज हम आगे बता रहे हैं, जब साइन थीटा ऊपर जाएगा पहले से साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, जब कॉस यहां साइड में आएगा तो ये क्या, कौन सा रूप लेगा, कॉस यहां साइड में से गुणे में होगा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये जो ब्रेकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात आप समझ रहे होंगे, है ना। ये ऊपर गया और नीचे आया, तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर गुणा होगा, ये भी आएगा तो इसमें गुणा ही होगा, तो गुणा कर नहीं रहे, गुणा के रूप में लिखे हैं, ठीक है। यही काम आपको यहां भी करना है, कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस कॉस गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर आएगा, और साइन का नीचे आएगा तो इनमें साइन गुणा हो जाएगा, गुणा करिया नहीं जाएगा, गुणा के रूप में लिखा जाएगा। तो कॉस कॉस ऊपर हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन साइड में आ गया, गुणे में नीचे आ गया, यानी कि तो साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके,
ये बात समझ गए होंगे। अब जरा देखिए, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी इसका उल्टा है उसमें, तो माइनस कॉमन लेने से ये चिन्ह बदल जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो ये प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ऊपर का हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और ये अंदर का चेंज होगा। देखिए जब यहां प्लस की जगह माइनस लिखेंगे तो ये क्रम बदल जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये क्रम बदल गया, माइनस देखिए प्लस जो है वो माइनस हुआ है और जो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है लिख दिए हैं उल्टा था वहां, तो इस तरह का क्रम बदल के लिख देंगे तो ये प्लस की जगह माइनस आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये राशि और ये राशि सेम है, मतलब जो राशि यहां है वही राशि वहां है, एक ही चीज का अंतर है, वो क्या, यहां कॉस है और यहां साइन है, बाकी ये दोनों ब्रैकेट समान है, तो इसलिए हम इनका फिर जो है एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस और साइन ये कॉमन नहीं है तो दोनों को लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये दोनों ब्रैकेट के जगह एक ब्रैकेट उतारेंगे क्योंकि वो कॉमन है, एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है ना, जो सभी में हो उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं हो उस सबको गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो ये दोनों के जगह एक लिख देंगे या दोनों अलग अलग, दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोहराना नहीं है, कहने मतलब एलसीएम का मतलब दोहरा के नहीं लिखना है, डबल नहीं लिखना है, तो ये दो बार लिख देंगे तो डबल हो जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे राशि से कॉस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, इस पूरे से देखिए कॉस भी कटेगा और ये ब्रैकेट भी कटेगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और ये साइन थीटा का ऊपर गुणा कर देंगे, इससे इसमें भाग करेंगे जो बचेगा ऊपर गुणा करेंगे, रूल यही होता है। तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो बनेगा साइन क्यूब थीटा, तीन घात है, माइनस ये देखिए साइन से साइन कट गया और इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया तो कॉस बचा, कॉस से ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका भी फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, इस ऊपर वाले को पूरे को, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा, ये टू नहीं रहेगा, ओके, ये टू नहीं होता है, क्या क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हमने लिख दिया। और नीचे आप उतार लीजिए वही चीज, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब देखिए राशि पूरी राशि से कट गई, काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब फिर क्या होने वाला है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे एक, तो वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसको हम, ये तो आप नोट कर लीजिए, ऐसे ऐसे गए यहाँ तक आ चुके हैं, जगह नहीं है तो मैं इधर लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक के बटे ये पूरा है, एक के बटे पूरा है और इस पूरे के बटे भी ये पूरा है, तो इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी कि वन
बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लगा लीजिए, ठीक है। और इसके बटे भी, मतलब दोनों के बटे, एक के बटे भी इसको और इसके बटे भी इसको, ठीक है। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये देखिए सेम हो गया, कट गया, तो कितना बचा, वन बचा। तो ये क्या देखिए, वन अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वन। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग करिए, वन के बटे में ये है और वन के बटे ये भी है, तो ये हो जाएगा वन अपान कॉस थीटा इंटू वन अपान साइन थीटा प्लस वन। और वन अपान कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक, तो ये हो गया सेक थीटा। और वन वन अपान साइन को क्या लिख सकते हैं, कोसेक, तो ये हो गया कोसेक थीटा प्लस वन। अब इसको देखिए, वही चीज लाना है, वन पहले ला दिया है, तो वन को हम इधर लिख दे रहे हैं, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये चीज मैं ला दिया, देखिए ये प्रक्रम है, यहां से मैं यहां तक इधर आया हूं, तो ये सिद्ध होके आ गया। और यहीं पर लिख देंगे आरएचएस प्रूव्ड, पी आर ओ बी ई डी, ओके। आपको ये बात पूरी समझ आ गई होगी, और आप देखिए प्रैक्टिस करिए, आप बिना प्रैक्टिस का सवाल हल नहीं कर सकते हैं, खासतौर से ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में बार बताया जा रहा है कि सूत्र ही महत्वपूर्ण है, और अभ्यास तो एक ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा हम कठिन से कठिन काम को भी सरल बना सकते हैं। तो आप नियम का पालन करिए, जहाँ डाउट हो, जहाँ प्रॉब्लम हो, आप अवश्य बताएं, कमेंट करके बताएं जहाँ आपको दिक्कत महसूस होती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक यानी 15 तक सवाल बेहद आसान है, आप सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, ये भी आसान है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखिए इस तरह का अगर सवाल आपके सामने आता है तो आप कैसे हल करेंगे, तो एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं और उसको जानना भी आपके लिए जरूरी है, इसलिए क्योंकि समय बच पाए और दिमाग जल्दी से जल्दी उस पर पहुँच पाए, उस सब चीज़ों पर जो रूल होते हैं उन चीज़ों तक पहुँच पाए। तो रूल यही है कि इस तरह का अगर सवाल हो तो परिमेयकरण करके ही हल होता है, बिना परिमेयकरण किए ये सवाल हल कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए देखिए इसको हल करके लाना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और परिमेयकरण करके दिखाते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, नीचे वाला जो पद है, नीचे वाले पद से विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, यानी कि यहां पर प्लस है तो माइनस करके दोनों में ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे पहले जो सवाल है उसको उतार लेते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये सवाल ऐसे ही उतार लेना है। अब परिमेयकरण का रूल होता है कि आप जो है इसको उल्टा यानी विपरीत चिन्ह से गुणा कराते हैं, यानी कि वन माइनस साइन ए बटे वन प्लस वन माइनस साइन ए। इसका मतलब है कि माइनस इसके विपरीत चिन्ह से यानी प्लस है तो माइनस से दोनों में गुणा कराएंगे सेम पद से, केवल चिन्ह बदल देंगे। आप देखिए तो ये जो है ऊपर का होल स्क्वायर बन गया, सेम सेम चीज जो है पद आ गया है तो होल स्क्वायर हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस साइन ए, साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, जी बिल्कुल लिख सकते हैं वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ओके। आप देखिए नीचे वाला देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये भी किसी का सूत्र बन गया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो गया वन और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी इस दोनों ब्रेकेट के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं। ये चीज आपको सीखना है, सूत्र आपको नहीं तैयार रहेगा तो आप नहीं लगा सकते हैं। और एक चीज है कि देखिए वन प्लस साइन ए और माइनस साइन ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, इस दोनों ब्रैकेट के जगह ये लिख सकते हैं, सूत्र होता है। अब आगे देख लीजिए यहीं पर, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है
वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, इंपॉर्टेंट फार्मूला में लिखवाया गया है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब दोनों पे स्क्वायर आ चुका है, इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, तो दोनों के जगह पर एक स्क्वायर कर लेते हैं, या तो सीधे के देखिए जब इस पे भी होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर है तो ये वर्गमूल बन के कड़ी से बाहर आ जाएंगे। तो कड़ी से बाहर आ जाएंगे तो हम लोग यहां देख लेते हैं, अब यहां पर जब कड़ी से बाहर आएंगे तो क्या होने वाला है, वन माइनस साइन ए बटे कॉस ए। क्यों भाई, कड़ी कहां गई, कड़ी जो है वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल बन चुका है और स्क्वायर इसमें से हट चुका है। अब इसको क्या करिए, अलग अलग करिए, एक के बटे भी कॉस है और साइन के बटे भी कॉस है, तो वन अपान कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए। अब वन अपान कॉस ए को कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहां लिखेंगे सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए का मतलब होता है टेन ए, तो यहां लिख देंगे टेन ए। अब आप मिला लीजिए, जो आपको लाना था वो आया कि नहीं, देखिए आ गया ना सेक ए माइनस टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए, और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ईजी भी है, कुछ इसमें करना है नहीं। अब यही लिख देंगे आर एच एस, और उसके बाद लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये देखिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि सूत्र आप तैयार करते हैं कि नहीं करते हैं, सूत्र आप तैयार रखिए और यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, जहां डाउट हो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इससे पहले 18 तक इजी है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये वाला जो आप एलएचएस दिया है उसका आरएचएस आपको हल करके ले आना है, तो हम एलएचएस उतार लिए हैं, इसी को हम हल करके आरएचएस ला के, यानी टेन थीटा ला कर हम दिखा रहे हैं उसको, जो आंसर लाना है टेन थीटा लाना है, प्रूफ करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साइन थीटा और टू साइन क्यू थीटा, इसमें देखेंगे तो ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं और नीचे से कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो अब देखिए साइन थीटा ऊपर से कॉमन हो गया और कॉस थीटा नीचे से कॉमन हो गया। एक चीज हम आपको बता दें कि टेन थीटा लाने के लिए आपको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लाना होगा, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे टेन थीटा। इसका मतलब है जो आ गया वो आंसर आपका आ चुका है, लेकिन जो बच रहा है ना वो कट करके एक होना चाहिए, यानी पूरा कट जाना चाहिए, तब यही बचना चाहिए, जब यही बचा रहेगा तो आंसर आपका आएगा। तो आंसर अभी आया नहीं है, लेकिन इसी को बचा के रखना है, बाकी सब जो आ रहा है उसको काट देना है, और ऐसा करना है कि कट जाए, इसलिए वही उपाय करेंगे हम, शुरू करते हैं। तो नीचे से क्या कॉमन हुआ है, कॉस, ऊपर से साइन, तो जब ऊपर से साइन कॉमन हुआ तो क्या बचा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर बचेगा। क्यों भाई, तीन था एक बाहर आ गया तो दो ही बचेगा, तीन घात के जगह दो घात, क्योंकि एक साइन बाहर आ गया है, वैसे कॉस बाहर आया हुआ है तो ये तीन घात के जगह दो घात बचेगा, तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये बात समझ में आया आपको, आया होगा, तो चलिए हम ये कटेगा कब, जब साइन साइन हो जाए या तो कास कास हो जाए तभी तो कटेगा, तो इसको हम एक को चेंज कर दे रहे हैं, ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले जो मर्जी करे चेंज कर दीजिए, और इसको तो भाई उतारते चलिए, ये आ चुका है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब ऊपर वाला उतार लेते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, देखिए नीचे चेंज करिए या ऊपर चेंज करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आएगा ही। तो आप यहां पर क्या करना है ना, ये जो ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि यहां पर एक ब्रैकेट हम और लगाने जा रहे हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और माइनस वन यहां पर पहले से है। ओके, अब टू को अंदर ले जाइए, टू को अंदर ले जाइए, अब देखिए क्या होने वाला है वो देखिए, यहां साइन थीटा कॉस थीटा वैसे उतार लीजिए, इसमें कुछ करना ही नहीं है, अब ये वैसे उतरते चला जाएगा, और आप देखिए यहां पर जो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है उसको भी उतार लीजिए, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। नीचे यहां आप देखिए दो इंटर करा दीजिए, टू टू माइनस फिर टू अंदर ले जाइए, टू साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस वन तो पहले से है ही है, तो माइनस वन यहां लिख दीजिए। ओके, अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अब बताए ऊपर वाला तो वैसे उतार लीजिए, वन माइनस टू
साइन स्क्वायर थीटा। और नीचवा देखिए, दो में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा, तो यहां हो गया वन, अब माइनस टू यहां पर रहेगा ही, उसके बाद हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सीधी बात है, वन टू में से वन घटेगा तो वन बचेगा, और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है। अब देखिए जो राशि यहां है वही राशि यहां है, तो इस पूरे से पूरा कट चुका है, तो क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा, और यही मुझे लाना था आरएचएस हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां दिक्कत होगी आप हमको बताएं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ये हल करके वो लाना है, सारा खेल जो है ना त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला ही ज़्यादा होता है, तो सिद्ध करने का ही काम त्रिकोणमिति में ज़्यादा होता है, तो इससे हमको उबना नहीं है, सीखना है। आप देखिए ये चीज़ आपको सिद्ध करके या ये लाना है, तो आखिर कुछ चीज़ें तो ऐसे ट्रिक भी होते हैं, कुछ ट्रिक अपनाना जरूरी होता है। इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि इस माइनस का से को उधर भेज दीजिए, क्योंकि इसकी जाति उधर दिख रही है, एक जाति को एक तरफ कर दीजिए और एक जाति को एक तरफ कर लीजिए। जब ऐसा कर लीजिएगा तब जा करके आप LHS लीजिएगा। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन जरूर लिख रहे हैं, लेकिन हम LHS नहीं लिख रहे हैं अभी फिलहाल। LHS इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी LHS नहीं लिया जाएगा। पहले हम इसको उतार लेते हैं, वन अपान सेक ए माइनस टेन ए माइनस कास ए बराबर वन अपान कास ए माइनस वन अपान सेक ए प्लस टेन ए। अब हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो माइनस का से उधर चला जाएगा, और ये माइनस वाला जैसे ये दोनों एक जात के दिख रहे हैं ना, तो उसको आप इधर ला लीजिए, तो वन अपान सेक ए माइनस टेन ए, और यहाँ प्लस हो गया वन अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर वन अपान का से, इस माइनस को हम प्लस लिख देंगे वन अपान का से। ठीक है, मतलब ये माइनस वन अपान का से उधर जाके प्लस हो जाएगा वन अपान का से, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। बात सीधा सा है, अब इस रूप में आ गया है तो अब जाके हम LHS ले लेंगे। अब LHS ले करके हल करते हैं, इसको आप और भी हल कर सकते, इस चीज को इसको आप ऐसे भी हल कर सकते, एक लाइन और हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपान सेक थीटा सेक ए माइनस टेन ए प्लस वन अपान सेक ए प्लस टेन ए। और इसको लिख सकते हैं, ये जब दोनों समान हैं तो इसका मतलब टू बट टू अपान कॉस ए है ना, टू अपान कॉस ए आ जाएगा। अब इस केस में हम LHS उतारेंगे, यहाँ पर LHS अब उतारा जाएगा। ठीक है, ये LHS है वन अपान सेक ए माइनस टेन ए प्लस वन अपान सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, अब क्या करिएगा, इन दोनों का LCM ले लीजिएगा। अब इसको जब LCM लीजिएगा आप, तो इनटू करके लिखिएगा, यानी सेक ए माइनस टेन ए इनटू, ये दोनों ब्रैकेट में बंद करेंगे, यही आपका LCM होगा, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। अब इस सेक ए माइनस टेन ए से ये कट गया, ये बचा तो इसका ऊपर गुणा करेंगे वन में, तो यही आएगा, यानी हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए प्लस, ये प्लस वाइज कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसका एक में गुणा करेंगे तो यही आएगा, तो हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। और आप देखिए प्लस टेन ए माइनस टेन ए कैंसिल हो गया। आप देखिए क्या बचा, यहां लिख लेते हैं, देखिए सेके बचा है तो हो गया टू सेके अपान, नीचे जानते हैं क्या बचा है,
ये जो सूत्र बचा है ना, इसका मतलब वन होता है, वन यानी से के माइनस टेन ए और से के प्लस टेन ए अगर आ गया तो इसका मतलब है नीचे एक हो जाएगा। अगर इसको और अच्छा समझना चाहते हैं तो मैं बता भी दे रहा हूँ। चलिए ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, क्यों सूत्र है ना। अब आपको ये चीज तो पता ही है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो ये हो गया हमारा टू सेक ए बटे एक, और एक लिखना जरूरी नहीं होता है, तो टू सेक ए आ गया। आपको क्या लाना है, टू अपान कास्ट ए लाना है, तो इसको टू सेक को अगर हम सेक को उल्टा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दो तो ऊपर रहेगा और सेक का उल्टा होता है एक बटा का से, क्यों सेक ए को एक बटे का से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये हो गया दो बटे का से, और आपको वही लाना है, तो ये हो गया आपका आरएचएस, और ये आप लिख देंगे हेंस प्रूफ है ना। कितना आसान है प्रूफ करना, और आप समझ भी गए होंगे, और ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। आप सब लोग पूरा कंप्लीट कर लें, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।